नर्मदापुरम में इंद्रावती नदी में रेत की खुदाई के दौरान प्राचीन प्रतिमा निकली। प्रतिमा का चेहरा नरसिंह भगवान से मिलता हुआ लग रहा है। जैसे ही ग्रामीणों को इस बात की जानकारी लगी, नदी किनारे बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सिवनी मालवा तहसील के ग्राम पीपर बैर में नदी में खुदाई के दौरान मिली प्रतिमा को इतिहासकार 9वीं और 12वीं शताब्दी के बीच का बता रहे हैं। प्रतिमा को देखने से परमार कालीन लग रही है। जिस पत्थर से यह प्रतिमा बनी है वह इस क्षेत्र का नहीं है, प्रतिमा को दूसरे गांव से लाया गया होगा। इस नदी से पूर्व में भी कुछ प्रतिमाएं निकल चुकी हैं, उन्हें यही के मंदिरों में स्थापित किया गया है। बार बार प्रतिमा मिलने से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस क्षेत्र में पुराना मंदिर हो सकता है और इस क्षेत्र में गहन पुरातत्व शोध करने की आवश्यकता है। ये रेहड़ा और पीपलवेर के बीच में नदी है। इस नदी में यहाँ खुदाई के दौरान निकली, ये यहाँ रेता की खुदाई करने के बाद निकली। ये बीच में 3-4 फीट गहरी अंदर निकली है, लगभग 4.5-5 फुट की लगभग। देखिए, ये करीबन 9 से 12वीं शताब्दी की प्रतिमा जैसी लगती है। ये मूर्ति के वास्तु से ये ऐसा प्रतीत होता है कि परमार कालीन मूर्ति हो सकती है। दूसरा, ये पत्थर भी यहाँ का नहीं है, स्थानीय पत्थर नहीं है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कहीं बाहर से किसी दूसरे गांव या खेड़े से लाके यहाँ नदी में मूर्ति विसर्जन के लिए छोड़ी गई हो और आज हमें मूर्ति मिली है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।